बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है कंपनी लिमिटेड। लिमिटेड का वर्ड जो है इसका आगाज़ कहीं 1855 में अप्रॉक्सीमेटली यूके में हुआ। इस कॉन्सेप्ट को देने का मकसद ये था कि जो मेंबर्स कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या गारंटी कर रहे हैं, उनकी लायबिलिटी का तायुन किया जा सके कि वो किस हद तक जिम्मेदार होंगे अगर कंपनी नुकसान में जाती है और वाइंड अप हो जाती है। उसमें अगर एक शख्स ने 10 लाख के शेयर्स खरीद रखे हैं तो वो सिर्फ 10 लाख रुपए तक का जिम्मेदार होगा इन केस ऑफ इट्स वाइंडिंग अप, या किसी ने 10 लाख तक शेयर्स इन्वेस्टमेंट नहीं की तो वो सिर्फ और सिर्फ गारंटी करता है कि कंपनी अगर वाइंड अप होती है तो मैं उस सूरत में 10 लाख रुपए अदा करूंगा, तो फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ इसी हद तक जिम्मेदार रहेगा। इन दोनों में फ़र्क ये है कि पहली को हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कहेंगे, जबकि दूसरी सिचुएशन में हम इसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहेंगे।